हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर कंप्यूटर को पहली बार चलाना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता है तो कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद आपको कंप्यूटर में कैसे काम करना है। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया है, आपको कंप्यूटर में उतना काम करना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप कंप्यूटर में कुछ काम करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर में कैसे काम किया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर स्टार्ट करके कंप्यूटर में काम करने का तरीका क्या होता है, कैसे कंप्यूटर में काम किया जाता है। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है, दूसरे को देखने के बाद वो ये सोचते हैं कि उनके जैसा मुझे भी कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर में किस तरीके से काम किया जाता है। दोस्तों, ये मेरा कंप्यूटर है तो इसे मैंने अभी ऑन किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँगा कि कैसे आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर को मैं ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसे ऑफ कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इसमें दो बटन दिया हुआ है और ये जो दो केबल है, एक है सीपीयू का है और एक है मॉनिटर का, ठीक है, एलईडी मॉनिटर का। तो सबसे पहले इसे आपको ऑन कर देना है, तो मैंने यहाँ पे पहले से ऑन किया हुआ है। दोस्तों, ये मेरा सीपीयू है और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है पावर बटन है, तो आपके पास जो भी सीपीयू है उसमें एक बड़ा सा दिया हुआ पावर बटन, तो इसे आपको ऑन करने के लिए आपको पावर बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, मैंने इसे प्रेस कर दिया तो यहाँ पर मेरा सीपीयू ऑन हो गया। दोस्तों, ये मेरा मॉनिटर है और इसमें नीचे यहाँ पर दिया हुआ पावर बटन, तो इसे मैं प्रेस कर देता हूँ इसे ऑन करने के लिए, तो मैंने इसे प्रेस कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ देर में कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आपको कंप्यूटर में काम करना होता है, कैसे चलाते हैं कंप्यूटर को। तो यहाँ पर मेरा वही कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, कंप्यूटर स्टार्ट यहाँ पर हो गया है और मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे पहले आपको माउस चलाना आना चाहिए। माउस का यूज़ कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये मेरा माउस है, यहाँ पर आपको इसे पकड़ना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे दो उंगली इस तरीके से रहेगा और यहाँ पे थंब रहेगा, और ये जो दो उंगली है यहाँ पर, एक ये लेफ्ट बटन है दोस्तों और ये है राइट बटन। तो कहीं भी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करना हो मुझे कंप्यूटर में, तो कौन सा बटन दबाऊंगा मैं, लेफ्ट, और कहीं भी ऑप्शन मुझे लाना हो कंप्यूटर में तो उसके लिए हम दबाते हैं राइट। ये तरीका होता है माउस का। और ये देखिए, स्क्रीन में यहाँ पर आपको पॉइंटर दिखाई दे रहा होगा, तो हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, मान लीजिए हम किसी ऑप्शन पर जाना हो तो माउस को यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे ऐसे, तो ये देखिए पॉइंटर यहाँ पे आ गया हमारा। तो कंप्यूटर में हमें काम करने के लिए इस वाले पॉइंटर का यूज करना पड़ता है। दोस्तों, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप एरिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको कंप्यूटर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आज मैं आपको जो जो बताऊँगा, एक कॉपी पेन अपने पास रख लीजिए और सभी को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कंप्यूटर चलाना आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अपने कंप्यूटर पर दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं, इन सभी को हम बोलते हैं आइकॉन है। जैसे यहाँ पे दिस पीसी का आइकॉन है, यहाँ पे रिसाइकल बिन का, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो ये सभी को हम बोलते हैं आइकॉन है। और दोस्तों, यहाँ पे जो नीचे का जो एरिया है, इसे हम बोलते हैं टास्क बार। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप जो, इसे बोलते हैं टास्क बार। और इस साइड में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर टाइमिंग है, और यहाँ पर देखिए स्पीकर का दिया हुआ है, एक लैन केबल का दिया हुआ है। तो अगर हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होगा तो यहाँ पे दिखा देगा इंटरनेट एक्सेस, और हमारे कंप्यूटर से स्पीकर कनेक्टेड है तो यहाँ पे दिखा देगा स्पीकर हेडफोन। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, और इस पर क्लिक करके आप वॉल्यूम कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों, ये दिया हुआ यहाँ पे टाइमिंग। और दोस्तों, कंप्यूटर में हम जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, हम जिस सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है स्टार बटन, जब हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है सभी का नाम यहाँ पर दिखा देगा। जैसे मान लीजिए हमें नोटपैड में काम करना है, कंप्यूटर में एक नोटपैड होता है, तो यहाँ पे सर्वबॉक्स में क्लिक करके आप यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करेंगे नोटपैड। तो दोस्तों, यहाँ पे टाइप किया मैंने तो यहाँ पे नोटपैड आ गया है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो मेरा यहाँ पे नोटपैड ओपन हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों, आपको कंप्यूटर में कुछ भी ओपन करना हो, जैसे मान लीजिए आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी चीज़ में काम करना हो, तो आपको यहाँ पर सिर्फ टाइप करना है। जैसे यहाँ पर टाइप किया मैंने वर्ड, तो यहाँ पर वर्ड आ गया है, और जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरा वर्ड ओपन हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कीबोर्ड का यूज़ कंप्यूटर में कैसे करते हैं। मान लीजिए आप कभी भी कीबोर्ड का यूज़ आपने नहीं किया है, यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर ये दिया हुआ है इस साइड में, जैसे ये दिया हुआ है कंट्रोल बटन, ये शिफ्ट, यहाँ पे सभी के नाम दिए हुए हैं, तो इनका यूज कैसे करते हैं देखिए दोस्तों। यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर में कोई भी नाम टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पर टाइप किया मैंने रमेश, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी स्मॉल में आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हम जब भी कोई नाम टाइप करते हैं तो यहाँ पर हमें पहला अक्षर बड़ा टाइप करना पड़ता है,
तो कीबोर्ड में करना क्या है, मान लीजिए मुझे आर कैपिटल में चाहिए, तो शिफ्ट के साथ आर प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर यहाँ पर कैपिटल में आ गया, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ रमेश, ठीक है, आगे यहाँ पर टाइप कर दिया। तो विदाउट शिफ्ट का अगर हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो वो आता है स्मॉल में, और शिफ्ट के साथ अगर हम यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो आएगा हमारा कैपिटल में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों कंप्यूटर में काम करते समय एक लाइन टाइप करने के बाद अगर हमें नीचे काम करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रेस करते हैं इंटर, ठीक है, यहाँ पे इंटर करके मैं नीचे आ गया। और मान लीजिए दोस्तों हमें यहाँ पर कंप्यूटर में सभी काम कैपिटल में करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला कैपिटल में है और सभी स्मॉल में, तो सारा ही कैपिटल में करना हो तो कीबोर्ड में यहाँ पर दिया हुआ है कैप्स लॉक, तो इसे मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एलईडी ऑन हो गया, मैं ऑफ़ करता हूँ तो दोस्तों ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा ऑफ़ हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कैप्स लॉक का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए एलईडी यहाँ पे ऑन हो गया, और ये जो दिया हुआ है ये न्यूमेरिक पैड के लिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे अगर मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो ये नंबर हमारा काम नहीं करेगा जब हम कंप्यूटर में काम करेंगे तो, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर हमें नंबर चाहिए तो कीबोर्ड में करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं नल लॉक का बटन, इसे जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 1 2 3 4 5 पे, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में 1 से लेकर 5 तक गिनती टाइप हो गया। चलिए दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको वॉलपेपर वगैरह चेंज करना हो तो स्क्रीन पर यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ करके आपको माउस से यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ राइट की राइट बटन है, तो आपको यहाँ पर माउस इस तरीके से प्रेस करके राइट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे खाली एरिया में राइट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन है, तो आपको रिफ्रेश करना है स्टार्टिंग में। दोस्तों रिफ्रेश करने से ये होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ काम करने के बाद क्या होती है, हमें थकावट हो जाती है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो बैकग्राउंड में कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो रनिंग में होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे उसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, तो इसलिए हम बीच बीच में क्या करते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं। तो जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है, तो सिंपल मैं आपको बता दूं रिफ्रेश करने के लिए सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है, या फिर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है F5 की, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है F5 की कीबोर्ड में, जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर चेंज करना है वॉलपेपर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो राइट क्लिक करके नीचे यहाँ पे बटन दिया हुआ है पर्सनलाइज, इस पर क्लिक कर देना है, और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ वॉलपेपर, तो जो भी आपको लगाना हो सिर्फ उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो इस तरीके से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कभी भी टाइम अगर चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में टाइम सही नहीं है, तो ये दिया हुआ है टास्क बार के अंदर टाइमिंग, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर दिया हुआ है कि एडजस्ट डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि एड क्लॉक फॉर डिफरेंट टाइम जोन, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आप डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं, तो जो भी आपको डेट एंड टाइम होगा आप यहाँ पे चेंज कर लेना। तो फिलहाल मेरा कंप्यूटर में सही है तो इसे मैं ओके कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। अब मान लीजिए दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर यूज करना है, तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में जा करके आपको यहाँ पर टाइप करना है कैलकुलेटर, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेटर टाइप करेंगे तो यहाँ पे टॉप में आ जाएगा, सिर्फ आपको इस पर क्लिक कर देना है या फिर इंटर की प्रेस कर देना है तो कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कीबोर्ड में न्यूमेरिक पैड, यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई है और ये डिवाइडेड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप किया 25 प्लस है, तो यहाँ पर देखिए 25 प्लस हो गया, और मैं दोबारा से 25 यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, और इसको टोटल करने के लिए यहाँ पर कीबोर्ड में दिया हुआ है इंटर, ठीक है, हमें देखना है कि 25 प्लस 25 कितना होता है, तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो कैलकुलेटर यूज करने के लिए आप माउस का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया है तो मुझे अगर जीरो करना हो तो यहाँ पर सी पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया 85 पे और माइनस जैसे 50, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं 35 यहाँ पर आ गया, तो इस तरीके से कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर कैलेंडर यूज करना हो, आपको अपने कंप्यूटर में कैलेंडर ओपन करना है, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में जा करके आपको टाइप करना है कैलेंडर, ठीक है, तो यहाँ पे टाइप कर दिया कैलेंडर, तो यहाँ पे ओपन हो गया है और आपको इस पर सिर्फ क्लिक कर देना है, तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कैलेंडर दिखा देगा। तो जिस मंथ का भी आपको देखना हो यहाँ पर दिया हुआ है, बस आपको यहाँ पर अप डाउन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे
तो आपका यहाँ पर कैलेंडर चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया डाउन आगे की ओर जाने के लिए, और ऊपर की ओर जाने के लिए आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर आगे दोबारा से मैं जनवरी पर, तो क्लोज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये तो हो गया एक बेसिक सिंपल नॉलेज जो कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद छोटी मोटी काम हम करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर में काम कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कोई लेटर वगैरह बनाना हो, या फिर कोई एक डाटा एंट्री करना हो, तो कैसे आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर, अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके एमएस ऑफिस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई लेटर या फिर कोई डाटा एंट्री या किसी चीज़ का रिपोर्ट तैयार करना हो तो कैसे आप कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट से अगर कोई काम करना हो तो कैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर में बताता हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों अगर आपको कोई लेटर वगैरह बनाना हो तो सिंपली आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में जा करके और आपको टाइप करना है वर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे वर्ड टाइप किया तो वर्ड यहाँ पे आ गया है और मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ड ओपन हो गया और आपको यहाँ पे लेना होता है एक ब्लैंक पेज काम करने के लिए। और दोस्तों अगर आपको एमएस वर्ड पे काम करना नहीं आता है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट एमएस वर्ड में काम करना सीख जाएंगे कि इन सभी ऑप्शन का यूज करते कैसे हैं। बाकी फिर भी मैं आपको नॉर्मली यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ टाइप किया, मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे रिज्यूम, ठीक है, और स्पेस की प्रेस किया तो यहाँ पर रिज्यूम आ गया है। इसे मुझे अगर सेंटर करना हो तो यहाँ पर सेंटर का बटन है, ये देखिए, तो सेंटर हो गया। और दोस्तों जल्दी काम करने के लिए हमें शॉर्टकट की यूज करना पड़ता है। तो शॉर्टकट की का यूज कैसे करते हैं कंप्यूटर में, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके शॉर्टकट किसी भी काम करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर हो गया। मान लीजिए इसे मुझे थोड़ा सा बोल्ड करना है तो सेट करके, और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बोल्ड का बटन। आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर यूज करना हो तो पहले से सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे उस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे मुझे साइज बड़ा करना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप साइज बड़ा कर सकते हैं। और अंडरलाइन करना हो तो यहाँ पे दिया हुआ है अंडरलाइन, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे अंडरलाइन अप्लाई हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पर कोई भी वर्ड टाइप करने के बाद और किसी भी ऑप्शन का यूज करना हो जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ आपको करना क्या है, वर्ड को सिलेक्ट करना है और उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसका कलर करना है, या फिर दोस्तों मुझे यहाँ पर नीचे में काम करना है, तो सिंपली है लास्ट में क्लिक करके और इंटर की प्रेस कर देंगे तो ये जो कर्सर है हमारा सेंटर में आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर किया हुआ है। तो यहाँ से कर देता हूँ मैं लेफ्ट। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कोई भी एक नाम टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो नाम टाइप करने के बाद इसमें अगर मुझे कुछ भी चेंज करना हो, जैसे यहाँ पर अंडरलाइन था तो यहाँ पर अंडरलाइन आ रहा है तो मुझे इसे हटाना है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे लगाते हैं वैसे ही हटाते हैं, तो इनको सेलेक्ट करके और मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा हट गया, ठीक है। अगर मुझे कलर करना हो तो देखिए, मुझे मान लीजिए इसका कलर अलग करना है तो मुझे यहाँ पे इन सभी को सेलेक्ट कर लिया और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये बटन। मान लीजिए इसका मुझे देखना है कि इसका काम क्या है, तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है इसका काम है फॉन्ट कलर, यानी कि कलर चेंज करना। तो अगर आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में समझना हो, तो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है सिंपली आप यहाँ पर देख लेना, नाम लिखा होगा तो आपको उसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से ही आपको सभी ऑप्शन का यूज करना है कोई भी वर्ड टाइप करने के बाद। और अगर आपको और भी एडवांस में सीखना होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है एमएस वर्ड का, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको एक्सेल में काम करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर आपको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में एक्सेल। तो मैं यहाँ पर वर्ड को क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे क्लोज करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ऐसे सेव नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई भी काम करेंगे तो सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल का बटन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेव वाले बटन पे पहले आपको क्लिक करके और यहाँ पे ब्राउज में जाना है और नाम कोई भी टाइप करके जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं आपको नाम टाइप कर देना है और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है सेव का बटन, बस आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर इसे क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी हमने काम किया हुआ है कंप्यूटर में हमारा सेव हो गया। तो चलिए एक्सेल ओपन करने के लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है सर्च बॉक्स में और देखिए यहाँ पे मैं टाइप किया मैंने एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में हम कि देखिए इसमें कोई भी अगर हमें कोई डाटा एंट्री का काम करना हो या किसी चीज़ का रिपोर्ट तैयार करना हो तो वो हम सारा काम करते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च किया मैंने एक्सेल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल यहाँ पर आ गया है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया और ये दिया ब्लैंक पेज। तो दोस्तों इसी तरीके से जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको एक ब्लैंक पेज पे ही काम करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सेल में कैसे काम करते हैं, एक्सेल तो बहुत बड़ा है
तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके एक्सेल और कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसमें काम कैसे करना होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने यहाँ पर टाइप किया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया बिल नंबर, मुझे एक डाटा एंट्री करना है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर एरो की भी यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से, राइट, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पर दे दिया नेम से, और आप यहाँ पर टैब भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर टैब की दिया हुआ है, आगे जाने के लिए टैब की भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ दे दिया जैसे मैंने प्रोडक्ट, और यहाँ दे दिया मैंने जैसे परचेज, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया सेल से। तो इतना करने के बाद मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई बॉर्डर वगैरह लगाना हो तो पहले आप टाइप कर लेना, और मैनुअली आप यहाँ पर इसकी विड्थ हाइट भी कम कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा वर्ड टाइप करते हैं जो एक कॉलम में नहीं आ रहा है तो इसे विड्थ भी आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी को सेट करके आपको अगर यहाँ पर बॉर्डर लगाना हो तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है, लिखा हुआ यहाँ पर बॉटम बॉर्डर, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देना है। ऑल बॉर्डर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर कलर करना हो तो इसे सेलेक्ट करके, और ये दिया हुआ कलर का ऑप्शन है जो हमारा वर्ड में था। तो ऐसे ही आप सभी में ही यूज कर सकते हैं, ये सारे सभी में सेम ही होता है, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। तो आपको इसी तरीके से सभी ऑप्शन का यूज कर लेना है, और काम करने के लिए आपको इसमें सीखना पड़ेगा कि कैसे काम करते हैं। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप जाकर उस पर क्लिक करके और आप काम करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि इंटरनेट पर अगर आपको कुछ सर्च करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट पर कुछ भी फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करने के लिए आपको यहाँ पर ओपन करना है, ऐसे हम यूज करते हैं क्रोम ब्राउज़र। तो अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ करके क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं भी इस पर क्लिक कर देता हूँ ओपन करने के लिए, क्योंकि विंडो 10 जिसके भी कंप्यूटर में है उसके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एज ही ब्राउज़र होता है, तो इसके थ्रू आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये दिया हुआ सर्च बॉक्स, आपको कोई भी वेबसाइट ओपन करना है आप यहाँ पर सिर्फ सर्च करिए। जैसे यहाँ पर टाइप किया मैंने google.com, ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइप किया google.com, ठीक है, और इंटर कर दिया, तो यहाँ पर गूगल ओपन हो गया। और जैसे आप मोबाइल में काम करते हैं, जैसे मोबाइल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो अगर आप मोबाइल भी यूज करते हैं तो आपको कंप्यूटर में काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बड़े आसानी से आप अपने कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। और जिस तरीके से मोबाइल में काम किया जाता है, जैसे कुछ भी हम सर्च करते हैं, कुछ भी फाइंड करते हैं, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर में करना पड़ता है। हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, माउस और कीबोर्ड का यूज करना पड़ता है, और कुछ भी सर्च करने का तरीका या कोई भी काम करने का तरीका सेम ही होता है, जैसे हम मोबाइल में करते हैं सेम वैसे ही हम अपने कंप्यूटर में भी करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना है और किस तरीके से आपको अपने कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ओपन करके काम करना है। और कंप्लीट सीखने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके और कंप्लीट आप कंप्यूटर पर काम करना सीख सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना है, कैसे ओपन करना है, और कैसे आपको कंप्यूटर को यूज करना है। दोस्तों कंप्यूटर पर काम करने के बाद कंप्यूटर को शटडाउन भी करना पड़ता है, कंप्यूटर को बंद भी करना पड़ता है। तो बंद करने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के अंदर ना ये दिया हुआ है कि स्टार्ट बटन, ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, और इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ पावर बटन, इस पर क्लिक करना है, और इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है शटडाउन का बटन है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।